नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं किसी के साथ भी महिलाएं शेयर नहीं कर पाती। ऐसी ही एक प्रॉब्लम होती है क्लॉट्स से रिलेटेड। बहुत सारी महिलाओं के पीरियड्स तो स्टार्ट होते हैं बट उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, कई बार ये क्लॉट्स कम भी आते हैं। तो ये क्लॉट क्या दर्शाता है? क्या आपको जल्द से जल्द गर्भधारण होने की क्षमता को दर्शाता है या फिर आपको कोई ऐसी परेशानी है गर्भाशय के अंदर जो बच्चेदानी में बच्चे को ठहरने नहीं दे रही है? तो ये क्लॉट से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपको हमेशा जाननी चाहिए, हर महिला को समझनी चाहिए और इस पे बहुत हद तक निर्भर करती हैं वो भी बातें जो आपको माँ बनने की क्षमता को बढ़ाती हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात और ज़रूरी बात कि जो पीरियड्स होता है वो महिला के शरीर में हर महीने अपने आप को तैयार करने के लिए होता है गर्भधारण के लिए। लेकिन कई बार जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो इसमें बहुत हैवी क्लॉट्स जाने लगते हैं। ये सामान्यतः जब मिसकैरेज होते हैं तब देखे जाते हैं, बट यदि आपको हर महीने पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं तो एक छोटे छोटे क्लॉट्स जैसे कि धागे जैसा क्लॉट्स आना या कभी आपके पीरियड्स में एक आध दिन क्लॉट्स जाना बिल्कुल ही कम मात्रा में, ये तो नॉर्मल होता है। बट अगर आपको हेवी क्लॉट्स आ रहे हैं, अंगूर के दाने जैसे आ रहे हैं या आपको बहुत बार जितनी बार आप यूरिन पास करने जा रहे हैं देख रहे हैं तब क्लॉट्स आ रहे हैं, आप मॉर्निंग में उठ रही हैं और उसके बाद आपको फ्लो के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होता है। ऐसे कुछ कंडीशंस में होते हैं जैसे कि हाइपोथायराइड, इसके अलावा फाइब्रॉइड्स, इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे कई सारी बच्चेदानी में परेशानी होती है जिसकी वजह से ये हेवी क्लॉट्स जाने लगते हैं। क्लॉट्स का एक सामान्य रूप से काम ये होता है कि जब आपको पीरियड्स का बहाव स्टार्ट होता है तो सामान्य क्लॉट्स एक नियमित और नियंत्रित रूप से आपके शरीर से खून का बहाव करती है ताकि ये एक हद तक ही बहे और फिर कम हो जाए और रुक जाए। नहीं तो अगर ये क्लॉट्स नहीं होंगे तो पीरियड्स का बहाव तेज़ हो सकता है और ऐसे कंडीशन में बहुत गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, महिलाओं की जान भी जा सकती है। इसलिए पीरियड्स में एक अवयव होता है जो कि इस क्लॉट्स का निर्माण करता है और ये समान मात्रा में निकलती है ताकि आपको एक फ्लो के साथ ही ये ब्लड पास हो और एक लेवल तक आके रुक जाए, ये बहता ही ना चला जाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर जिन महिलाओं को 5 दिन पीरियड्स के हो गए हैं उसके बाद भी हेवी क्लॉट्स जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि ये आपको तभी आराम मिलेगा, तभी ठीक होगा जब कुछ मेडिकेशंस स्टार्ट होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मां बनने की क्षमता ये कैसे दर्शाता है? अगर पीरियड्स में हल्के फुल्के क्लॉट्स आते हैं तो ये एक अच्छा संकेत होता है, इसमें आपको गर्भधारण करने के लिए बहुत ही अच्छी उम्मीद रहती है और इन महिलाओं को गर्भधारण जल्दी हो जाते हैं। पीरियड्स के क्लॉट अगर ज़्यादा और हेवी जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में गर्भधारण के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बच्चेदानी के इनफंक्शनलिटी को रिलेट करता है कि आपका जो बच्चेदानी है वो नॉर्मल नहीं है तो इसमें गर्भधारण नहीं होगा। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ जिसकी वजह से इन परेशानियों को आप दूर कर सकती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि जब पीरियड्स में हैवी क्लॉट्स जाते हैं तो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन और आयरन की डिफिशियंसी कम हो जाती है जिसके लिए हमें नेचुरल आहार लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कि चुकंदर, गाजर, इसके अलावा अनार, ये सारी बहुत ही अच्छे नेचुरल और प्राकृतिक रूप से दी हुई चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर आयरन की पूर्ति करती है। इसके अलावा आप ब्लैक रेजिन वाटर भी ले सकती हैं, आप किशमिश खा सकती हैं और साथ ही साथ आयरन की गोलियां भी ले सकती हैं जो आपके शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन का परसेंटेज सही रखेगा जिसकी वजह से क्लॉट्स की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा तेल वाला मसालेदार खाना नहीं खाना है क्योंकि ये शरीर के हीट की वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ सौंफ का सेवन करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप खाने के बाद एक चम्मच सौंफ जरूर खाएं, ये आपके शरीर के हीट प्रोसीजर को कम करता है जिसकी वजह से पीरियड से जुड़ी हुई परेशानी दूर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अगर और भी कोई दुविधा और परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ भी शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। सो फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिए, बी सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए ताकि आपको भी जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंस
नसीब हो जाए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए ताकि नेचुरल तरीके से गर्भधारण के लिए आपके भी मन में बहुत ही अच्छे से उत्तेजना जागे और इन सारे होम रेमेडीज़ के थ्रू बहुत सारी महिलाओं ने बहुत जल्दी कंसीव भी किया है, तो आप भी बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। आई रियली होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। सो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।